हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अक्सर गर्भवती महिलाओं को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाना चाहिए या नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या मैं पपीता खा सकती हूँ कि नहीं। अक्सर महिलाएं ये कन्फ्यूज़न में रहती हैं, तो इसका आंसर है हाँ, आप पपैया खा सकती हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पपैया एक येलो फ्रूट्स है, इसमें विटामिन रफेज की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अगर आप ये खाते हैं तो आपके बच्चे की है जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी रहती है, हेयर ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम है, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है, इस प्रॉब्लम के लिए भी अगर आप कभी कभी पपीता खाती हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सेटल डाउन करेगा। जो कच्चा पपाया रहता है उसमें रो यानी कि उसमें एंजाइम होता है जिसे पेपेन कहते हैं, उससे अबॉर्शन और मिसकैरेज के चांस होते हैं। इसके लिए बहुत सारा पपाया खाया जाता है, बहुत कम में बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि टेक्निकल पॉसिबल नहीं होता है कि जब तक कि आपकी बॉडी में पेपेन एंजाइम नहीं जाता है तब तक पपीता कोई नुकसान नहीं करता। यानी कि आप पीला पपीता खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। आपको कच्चा जो हरा पपीता रहता है बाहर से और अंदर से सफ़ेद रहता है उसको खाना नहीं चाहिए। काफ़ी सारी महिलाएं रहती हैं उनके घर में यही रहता है कि जो पीला पपीता रहता है वो भी अच्छा नहीं रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। काफ़ी सारे मिथ्ते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में आप पपीता खा सकती हैं। बीटा कैरेटिन्स रहते हैं, बच्चे की हड्डी के लिए फ़ायदेमंद होता है, दांतों के लिए अच्छा रहता है, इसमें फाइबर रहता है, फोलिक एसिड रहता है, पोटेशियम, विटामिन ए बी सी रहता है, तो आप पपैया खा सकते हैं। अब किस सिचुएशन में आपको जो हरे पपीता है कुछ महिलाएं वो खाती हैं, यहाँ जानेंगे। जो हरा कच्चा पपीता रहता है अगर महिलाएं खाती हैं वो, तो उससे लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, कभी कभी इम्यूनिटिक फ्लूइड साइड का मेमोरोइन फटने के चांस रहते हैं। और हर पेशेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी संभावना, क्योंकि बहुत कम होती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि ओटीपी में जाते हैं तो बहुत सारा कच्चा पपीता खाकर चले जाते हैं, ऐसा वो तब करते हैं जब अगर अनचाहा बेबी है, इसके साथ ही कभी उन्हें टर्मिनेट करना होता है, लेकिन इसका बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। परिवार वाले कभी कभी खाने के लिए मना करते हैं, तो आप घर की शांति बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी ना खाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेगनेंसी के दौरान आप खा सकते हैं, आगे आपको बहुत सारे चांस मिलते हैं पपीता खाने के लिए, तो आप इस चीज़ों में मना रहे हैं, आप कच्चा पपीते को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। किसी किसी की जो 9th मंथ की डिलीवरी डेट निकल जाती है तब कच्चा पपीता हल्का खा सकते हैं, हल्का फुल्का 250 ग्राम की मात्रा में 2 से 3 बार आप, लेकिन आप पीला जो पका हुआ पपीता रहता है प्रेगनेंसी के दौरान खा सकते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि इसमें कोई सा भी देखा नहीं गया है कि पपीता खाने से मिसकैरेज के चांस होते हैं। कच्चा पपीता में जो कुछ ऐसी मात्रा पाई जाती है पेपेन वाली, जिससे मिसकैरेज के चांस होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा खाना रहता है, तब ये ऐसा होता है कि जो गर्भाशय है वो सिकुड़ जाती है और मिसकैरेज के चांस हो जाते हैं, क्योंकि जो पीला पका हुआ है पपीता उसमें एंजाइम और पेपेन नहीं होता है। कच्चा पका हुआ पपीता रहता है उनमें ये पाया जाता है, तब महिलाओं को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर में आपको मना करते हैं तो आप ना खाएं, क्योंकि घर की शांति के लिए, क्योंकि बहुत समय से ये बिल्कुल पक्के मिथ्य हो चुके हैं कि प्रेगनेंसी के समय पपीता नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही एक फ्रूट्स और रहता है जो ऐसा कर हो सकता है, जैसे पाइनएप्पल पे जो पाइनएप्पल रहता है उनसे में भी कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो महिलाएँ अगर उनके अल्ट्रासाउंड थ्रू 9th मंथ निकल चुका है और वो चाहती हैं लेबर पेन स्टार्ट हो, तब ये खा सकती हैं हल्की फुल्की मात्रा में। 250 ग्राम लेना है, एक दिन में 2 से 3 बार खाना है, और किसी भी चीज़ की आप बहुत ज़्यादा मात्रा को ना खाएं, सभी चीज़ों की लिमिटेड मात्रा लें। कच्चा पपीता और जो पाइनएप्पल रहता है वो प्रेगनेंसी के दौरान आपको खाने से अवॉइड करना चाहिए। आप पका हुआ पपीता खा सकते हैं लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेड मात्रा है। अगर आपके पेट में दर्द होता है, आपको एसिडिटी होती है, तो उससे आपको रिलीफ करवाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।